को हम टैक्सी में बैठ के रवाना हो जाते हैं और इतना फील नहीं होता है टैक्सी में बैठे। हाँ पहले तो टैक्सी में जाते नहीं थे और अब टैक्सी के बिना कहीं जाते नहीं। तो ये है त्रिपोलिया का मार्केट जहाँ से हमने शॉपिंग की थी। सारी बहुत सारी जगह पर हम घूमे थे। उसके बाद हमको कहीं जा एक शॉप पर जाकर हमको फैब्रिक मिला था। फिर हम गए थे दूसरी शॉप पर जहाँ पे हमने मम्मी के लिए ड्रेस देखी थी और यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत पसंद भी आ गई थी। फिर इनको खानी थी पॉपकॉर्न। फिर हमारी पूरी शॉपिंग डन हो गई और हम सब निकल गए वापस घर के साइड और ऐसे हम ऑटो में बैठ के पूरा फंस फंस के आए। उसके बाद ये है त्रिपोलिया का मार्केट जहाँ पर घूमना तो बहुत पड़ता है पर मिल जाता है। फाइनली हमको फैब्रिक जो चाहिए था वो मिल गया था। और नेक्स्ट डे हम गए थे फंक्शन के लिए लोकेशन देखने के लिए, जो कि हमने कुछ लोकेशन देखी थी, जो एक दो हॉल देखे थे हमने कुछ एक ऐसा था। नेक्स्ट हॉल देखने गए थे वो भी पसंद नहीं आया। उसके बाद एक और देखा था वो भी मैंने कुछ क्लिप्स तो बनाई हैं और ये फाइनल लोकेशन थी जो कि मैं अनुज के बर्थडे पे हम सब गए थे और मैंने बोला भी था कि ये मैं जगह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, जो कि यही जगह थी जहां हमारा फंक्शन होना था। इसीलिए मैंने उस व्लॉग में आपको बताया नहीं था और ये जगह हम सब ने उसी दिन देखी थी। और ये हॉल अच्छा सा लगा, सबको पसंद आया तो फाइनल यही डन किया उसके बाद हम लोगों ने। और यहाँ पर पापा कर रहे हैं अपने इनविटेशन कार्ड को सेट, किसको देना है कहाँ देना है। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है सबकी ड्रेस का मेज़रमेंट। जैसा कि हम सब एक जैसे ड्रेसेस पहनते हैं तो फिर एक साथ ही सिलवानी पड़ती है हमको। यहाँ दिवित का जैसे ही नाप ले रहे थे तो वो भैया के हेयर कैच रहा था यहाँ पर। और यहाँ हमने सैलून वाले को घर पर ही बुलाया था तो सबका काम ईजी हो गया और सबको सैलून जाना भी नहीं पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सबकी पहले तो आज है रिटायरमेंट पापा का, तो मैं सबसे पहले सबकी एक्टिंग करके बताती हूँ कि कौन कैसे व्लॉग स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले करती हूँ दिव्या दी की, वो बोलती हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ये है दिवित। सबसे पहले बताएगी दिवित को और जानी दिए ये बोलते हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आज है रिटायरमेंट, ये वो ये ऐसे बोलती है। और ये बोलती है हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ये है सब कल्चर बंजर ये वो। और मेरा तो आप लोगों को पता ही है मैं कैसे बोलती हूँ। तो आज है पापा का रिटायरमेंट और मैं ना चुकी हूँ सिर्फ, और ये लोग सब गंदे बैठे हैं और ये तो हमेशा ही ऐसे ही मिलेगी दिवित के साथ। है बहुत क्यूट सा दिवित फेस बता दे तेरा एक बार आया कि नहीं। चुप बताओ। इसने रात को बहुत परेशान किया इन लोगों को, बट मैं सो चुकी थी और ये लोग सब जगे हुए थे। उसके बाद ना अभी होंगे हम सब रेडी। अभी तो पहले घर रेडी किया हम लोगों ने, खाना वाना खाएंगे और आज हमारे साथ एक फैसिलिटी हो गई, हमारे काम वाले आंटी को हो गया आईक्यू। ओ गॉड, और कल मेरे साथ भी हुआ था ये, सडनली मेरी आईज खट 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 मुझे लगा डर और मैंने बोला भगवान जी प्लीज माफ कर देना, ड्रेसेस पहन के चश्मा कौन लगाएगा, सब स्वैग में समझेंगे मेरे को, बोलेंगे अभी शादी में मतलब स्वैग में घूम रही है अलग ही। इसलिए मैंने फिर मैं यहाँ रख के बात करूँ क्या, सबसे ड्रेस दिख रही है मेरी गाइस आ जाओ सब जने बात करते हैं तो फिर मैं क्या बता रही थी, हाँ मेरी आईज करी खटखट, फिर मैंने सही किया उसको। फिर मैं बाथरूम से बाहर आई तो मुझे मैंने सबको बोला मेरे को आई फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया। सबने बोला कि उधर देख फटाफट से। हाँ सब फिर मैं आराम से बैठ के फोन चला रही थी
दी हुई, देखो तो क्या हुआ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, बकाश नहीं हो गया, चुप हो जा दुनिया। ये तो कहते चुप, सब चुप हो जाओ, मैं ही बोलूंगा। ओके फाइनली बाय। गलत बात, ये मैंने ऐसे ऐसे दबा भी थी, हिला रहे हैं सिर्फ। ये बोल रही है शाम के लिए इतने सारी रील्स बनाऊंगी, ये सेव कर लिए, वो सेव कर लिए, और ये नहीं पूछ रही काम हुआ कि नहीं। अरे अभी सेव कर रही थी वीडियो। हाँ मैंने सुना, तभी तो मैं आई। और बोले अब तू आई तो बोले के लिए बाबू का ऑयल दे, मालिश करते हैं। हाँ पहले बोल रही थी कि मैं ये रील सेव कर ली, वो रील सेव कर ली। मैंने कहा मैं चार रील सेव करूंगी, चार रील बनाऊंगी सबसे पहले, फिर बाकी के लोगों को देखूंगी। क्या टाइम पास, देवी को पकड़ लेना तू, झूठ आरोप। चार वीडियो बनाऊंगी मैं और चार मेरे, चार दिवित के। तो ये ना मीटिंग चल रही है यहाँ पे कि नाना के रिटायरमेंट में कौन क्या करेगा, है ना। हाँ किसी का नाना है, किसी के दादा है, और ये सब के, ये देखो ये हेड बन के खड़ा है। क्या कर रहे हो आप बताओ, बताओ ना अब क्या हुआ तुम्हारे, मुंह कैसे बंद हुए, करो करो तुम्हारी प्लानिंग। मासी दोनों आप साथ साथ की कर आए, कई बीच में पगे लगू है। राजवासी साथ साथ की कर आया। ये मेरी मासी है, ये पीनू की मासी है, दोनों साथ में आई है। स्माइल देखो, ये पीनू है, ये मगरे से है, ये बाड़मेर से है। और ये मैडम है ना, देखो जब से अभी तक यहीं बैठी हो, सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, सबके पीछे। देख तेरी शकल, इसकी शकल सेम मुंह बना के बैठे हो, इतना गंदा। चाइना ये देखो बाहर सबका काम भी हो चुका है, खाना भी बन चुका है, और ये सबसे पहले खाने भी बैठ चुके हैं। ये है रिटायरमेंट वाली, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे हमारी दो ब्यूटीफुल गर्ल काम कर रही है, जो एक गर्ल तो लेट आई है। ले यार अर्जेंटली भेजती बता भाई, आज तो बहुत बोल रही है, काट रही है। आज मम्मी को फील हो रहा है, मेरी बहू आ गई। मम्मी आज तो फील ले रही है। हां वो तो कह रही, आज फील हो रहा है, बहू आ गई। आप क्या बोलोगे गाइस को, बताओ आज क्या है, नाना का रिटायरमेंट है, बर्थडे है, क्या है, सबको बताओ। ये हमारे घर का सबसे ओवर कॉन्फिडेंस बेबी है। इतना एटीट्यूड लेके कहाँ जाओगे है? इसके पास दुनिया भर का एटीट्यूड है, ये किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। क्या करेगा, सबको मार दूंगा। ओ भाई गाइस, इसको जय जहाँ भी देखिए इसको पकड़ लेना आप। तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रेडी, कर रहे हैं क्या, सॉरी हो रहे हैं रेडी। पागल बना रही है मुझे पागल। मैंने पापा के लिए स्पीच तैयार की है, बता। हाँ बता। मेरे पापा प्यारे थैली थैली करते। थैली कौन से करेक्ट बोल, वरना लोग कुछ और सोचेंगे। सब्जी लाने की थैली, सामान लाने की थैली। बाकी मेरे पापा कोई थैली वैली यूज नहीं करते, सिर्फ सामान वाली थैली यूज करते हैं। ये देखो ये मासी बीच में आके फोन का ये मासी तो हमेशा ना ऐसा मासी बनी रहती है। मासी का दिन आए एक दिन तो सारी मासी को फांसी लगा दो, तो मैं सबसे पहले हमारी मासी को पीछे छुपा दूं।
हमारी प्यारी मासी, इकलौती मासी। देखो किधर सबसे फास्ट है ना, आप नोटिस करना कौन रेडी होगा पीछे। ये दीपी स्पीड से ब्रश चला दिया, मैं देखो बिना मेकअप के बैठी हूँ, बिना प्रिपरेशन है ना, वेटिंग में है क्योंकि अभी एक ही कांच का इतना स्पेस हम दे नहीं सकते। बिना प्रिपरेशन पापा पे चार लाइन बोलने, बोलो मेरे पापा प्यारे पापा, जग से न्यारे मेरे पापा। मैंने तो बोल दिया, अब तो बोल पापा के दो हाथ है, है। मेरे पापा अच्छे से चलते हैं गाइस, मेरे पापा प्यारे पापा, खत्म हो गई, अब दीपू बोलेगी, अब दीपू सुना, दीपू सुना ये तो सही कर चुके हैं, पता ना मैंने सही लाइन बताई थी, सबसे अच्छी मैंने बोली, अब अनुज बोलेगी, ये लाइन पापा बोलते ना, मेरे पापा बहुत सीधे है तो शायद जज जाता, नाक के बाल नहीं काटे तूने, काट देना नहीं कटेगा ये वैसे। तो अभी हम सब लोग रेडी होते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे हम कैसे हैं ना, वो सॉन्ग आया ना अभी हाय बारबी, वैसे देसी बारबी बनेगी। ये हंदो ने सुना था सी बारबी, आजकल एक्चुअल में ससुराल में बिजी रहती हूँ, फोन नहीं चला पाती इतना, तो मुझे पता नहीं है। माँ से सायना मोहित जी आपके लिए ये कोई बात नहीं, अभी मैं इसको बताऊंगी कौन सी बारबी है। हाय बारबी, गाइस देखो ये वीडियो बन गई, इसको नहीं लगाना आता सच में, वीडियो गाइस इसको सी नेचुरल वाला आता है, इसको ये एक्चुअली इसको काट दीजिए, वो हमेशा बोल देगी तू ऐसे ही रहा कर, बहुत सुंदर लगती है, तो ये इस वजह से ऐसे ही रहना ज्यादा ना, आप उसको सब्सक्राइब करें जरूर, नेचुरल ब्यूटी ये नहीं, गलत नाम बता रही है, कोशिश करो ढूंढने की, मिलेगा मेरे चैनल में, ढूंढ लेना, नीचे दबा हुआ पड़ गया, मैंने तो डरा ही दिया, मुझे ये देखो अलग ही मम्मी, अलग ही फॉर्म में आज, मम्मी आज क्या करोगे आप, पापा का पंखा हिलाना पास में बैठ गए तो पसीना नहीं आना चाहिए बिल्कुल, आज मेरे पापा को एक बूंद पसीना आ गया ना तो ध्यान रखना, कोई बुरा सावर डोलूंगी, सावर डोलूंगी, सावर सावर चलाऊंगी, सावर डोलूंगी, आओ सब जी मुबारक, मैं वेलकम वेलकम वेलकम, लियान तो एक्साइटेड है कि नाना के ना वो क्या आएगी, अटैची आएगी वो पैसे भर के, इसलिए उसको लगता है रिटायरमेंट यही है, इसलिए कब से वेट कर रहा है नाना का रिटायरमेंट कब आएगा। मम्मी मैं आपको रेडी कर दूँ, यस फिर मैं को रेडी हो, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, यहाँ पे जीजा हो, मासी हो गई है रेडी, आधी हुई है मासी तो अभी तक, जीजा अपना सेट कर रही है और अंदर सब रेडी हो रहे हैं, और अभी पापा रेडी होंगे, उसके बाद में सारे गेस्ट आने वाले हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको सब हम कैसे लग रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोग टाइम पे रेडी हो गए हैं और पर सारे गेस्ट अभी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे सारी है ना वो पापा की रानियाँ जो रेडी होके बैठी है, अभी तो रानियाँ बनी हुई ना, रानी कलर पहन के। हेलो पापा, बोलो आपको कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा, और बताओ थोड़ा, जीवन में बहुत अच्छी खुशी प्राप्त हुई, 40 साल हमने जो जनता की सेवा की है, जी जान से सेवा की है। ओके थैंक यू। अच्छा पापा को ऐड करते हैं, ओके डन, पुलिस कर देना। ये बेबी की मम्मा जो सबसे लेट करा रही है हमको, और ये मेरे पापा जो कब से कह रहे हैं चलो ना, इनको इतनी जल्दी है आज के बाद। तो अभी है ना मम्मी लाई है पापा के लिए सरप्राइज, और पापा लाए मम्मी के लिए सरप्राइज, ये बात हमको पता थी, तो अभी हम देने वाले हैं सरप्राइज।
दे दो सबके सब लेट आए। हाँ बहुत लेट आए। नमस्ते दाई जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखेगा तो इस वक्त दैट्स गुड। अरे यार मेरी सेक्सी बुआ आई है इसलिए मैंने कहा व्लॉग चालू करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी सेक्सी बुआ आई है इसलिए व्लॉग चालू करना पड़ेगा। क्या बात है, बुआ पोज देने लग गई। आ गया गाइस, चलो ये लॉक दे, लगा दिया। अभी हम सब जा रहे हैं पापा के ऑफिस और सब सब पिंक पिंक लेडीज रेडी हो चुकी है। आप बहुत लेट आए हो। लियान कहाँ है? लियान कब से ढूंढ रहे हैं आपको। चलो ना अब तो है ना, मैं जा रही थी अपनी आगे वाली सीट पे तो दीपू ने मेरे को है ना सबसे पीछे वाली सीट पे फंसा के बैठा दिया। और ऐसे है ना आगे खाली सीट पड़ी है तो अभी मेरे को बोला जल्दी है जल्दी है इस कार में। और आगे बैठेंगे गाइस, मेरे को आगे बैठाओ, न्याय चाहिए मुझे इस गाड़ी में। और मेरे साथ है ना हमेशा पीछे ही बैठाते हैं। मेरे साथ ये ना बैठी है देसी गर्ल, वो मैं बताती हूँ जो हमेशा जुल्फे खोल के बैठती है ना। आज जुदे को उसकी जुल्फे बिकॉज अब मैं क्या कर सकती हूँ।